जीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ चने दाल का हलवा। चने की दाल का 250 ग्राम दाल है ये। अब इसमें अच्छे से इसको पहले वॉश कर लिया है, उसके बाद अब इसमें दूध डाल देंगे। बस थोड़ा इतना ही दूध रहेगा इस तरह से, एक गिलास से करीब इतना डालना है कि बस दाल इतनी ही डूबी रहे दूध में। अब इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे, उसके बाद इसको उबालते हैं, इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। दाल को आधे घंटे भिगोने के बाद दाल हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, देखिए। इसमें मैंने दो छोटी इलायची भी डाल दी है। अब इसमें छोटे कप से एक कप दूध और डालकर पहले फ्लेम हाई पर रखेंगे इसको। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फ्लेम लो कर देंगे, इसके बाद ढक्कन ढककर इसको पकाना है। पहले इसमें उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आ गया है, ये पकने लगा है। मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, लो फ्लेम पे ही इसको थोड़ा सा खुला छोड़ के कि दूध बहे नहीं। दूध कम हो जाएगा तो ढक्कन ढककर पकाना। इसको हमें बीच बीच में चेक करते हुए पका लेना है, जलने ना पाए। जब सारा दूध इसका ड्राई हो जाएगा फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलो इसको पकने देते हैं। दाल पूरी तरह से उबल चुकी है, देखिए एकदम ड्राई हो गई है, हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है थोड़ी सी इस तरह से। अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाने पे मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, दाल को ठंडी होने देते हैं। दाल अब ठंडी हो गई, इसको देखिए मैंने जार में डालकर हल्का सा चला लिया है। इसको एक बार स्पून से हिलाकर दोबारा फिर चलाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके इसी तरह से पीस लेना है। देखिए इस तरह से दाल को एकदम बारीक पीस लेना है, इसी तरह से सारी दाल को पीस लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी दाल इसी तरह से हम पीस लेते हैं। दाल मैंने पीस ली है। अब एक पैन लेंगे, पैन में 2 टेबल स्पून दो छोटी इलायची, हल्का सा गर्म होने देंगे। ये दाल देखिए इस तरह से पिस गई है, ड्राई ही है, थोड़ी थोड़ी करके पीसी है। अब इसमें दाल को डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अभी फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है। अब इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। हाथ ये जलने लगती है लगातार चलाते हुए इसको भूनना है। अब इसको भूनने देते हैं। मैं इसको 15 मिनट से लगातार भून रही हूँ, लगातार चलाते हुए। अब इसमें देखिए थोड़ा सा कलर दाल का चेंज हो गया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून घी और मिला लेंगे। इसको चलाना है, मैं इसे आधे घंटे से भून रही हूँ। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसको बस 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे, फिर ये दाल भून गई, इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ऑफ कर दिया इसको, लेकिन चलाते रहना है, ये नीचे लगने लगती है। इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए दाल को मैंने पलट लिया। अब इसकी चाशनी तैयार करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो आप पहले ही चाशनी पका दें। मेरे पास दूध नहीं था, ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने चाशनी अभी नहीं पका रही है, इसलिए मैंने दाल ही पहले भून ली है। चलिए पहले इसकी चाशनी अब पका देते हैं।
कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में बन ये मैंने फुल क्रीम हाफ केजी दूध लिया है, दो छोटी इलायची डालने के बाद इसको डाल देंगे। दूध में एक उबाल आ जाए उसके बाद इसमें चीनी और फूड कलर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जितना मैंने दाल ली है उतनी चीनी भी मिक्स करेंगे। दूध में पहले उबाल आने देते हैं। मैं उबाल आ गया, अब इसमें फूड कलर मिक्स कर देंगे। मैंने जितनी दाल ली थी उतनी ही चीनी है, इसको भी मिक्स कर देंगे। चाशनी को थोड़ी देर पकने देंगे, इसको गाढ़ा होने देंगे। दो तार की चाशनी बनाएंगे। देखिए दो तार की चाशनी बन गई भी। अब इसमें धीरे धीरे दाल जो मैंने भूनी थोड़ा थोड़ा करके उसको पहले मिक्स करेंगे। इकट्ठा ही नहीं मिक्स करना है, देखिए मैंने सारी दाल मिक्स कर दी। अब इसको अच्छे से भून लेना है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है। देखो 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लिया। देखिए इस तरह से इतना थिक हो गया है। अब एक प्लेट पे मैंने बड़ी थाली में थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है थाली को। अब इसमें हलवे को निकाल लेंगे, इसकी स्लाइस कट करनी है। बहुत ज़्यादा इसको थिक भी नहीं करना है ना बिल्कुल सॉफ्ट ही रहे। तरह से अभी ये ज़्यादा है तो इसको मैं दूसरी उसमें भी थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। तरह से चाहे आप हाथों से इसको बराबर कर लीजिए। देखिए मैंने इसको एकदम बराबर कर लिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा बुरादा गरी, थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने इसी में मिक्स किया है। इसको भी इस तरह से टैप टैप करके थोड़ा सा मैंने चांदी का वरक भी लिया है। ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है अगर आप यूज़ करना चाहें तो। चने का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अभी इसको मैं 10 मिनट रेस्ट पर रख दूंगी। 10 मिनट बाद इसकी स्लाइस करती हूँ। 10 मिनट तक ये सेट हो गया है। अब इसको स्लाइस में कट कर लेंगे। आपको जो शेप पसंद है आप उसी हिसाब से कट करिए। अब ये खाने के लिए रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने इस शेप में इसको कट किया है, ये आसानी से निकल जा रहा है। चलिए इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चने का हलवा बनाकर एंजॉय करिए। थैंक यू।